तो गाइस एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलो तो गाइस बिल्लियाँ देखो कितनी सुंदर है। तो चलिए गाइस मुझे अपनी माँ को लेके जाना है मौसी पर, मौसी की है तबीयत खराब, तो चलिए हम चलते हैं मौसी के यहाँ पे। चलिए गाइस हम निकल चुके हैं अपनी मौसी के यहाँ पे और आप देख रहे हो जो योजनाएं चली हैं प्रधानमंत्री की, रोड गांव शहर सभी को जोड़ दिया गया है। रोड काफ़ी अच्छे बन गए हैं, पहले एक कच्चे रोड थे, टाइम लगता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री योजना द्वारा रोड सक्सेस हो गए हैं हर गांव में। चलो गाइस तो हम आ गए मौसी के पास, देखने मिल गई मौसी। आगे देखो दोनों बहनें बैठी हैं, देखो ये देखो। आप कब तक ठीक हो जाओगे मौसी? क्यों, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? अच्छा तो गाइस ये हमारी मजली मौसी का घर है, काफ़ी यहीं पे आए थे पहले भी, काफ़ी बदल जाता है हर जगह, कहीं भी आओ बदल जाता है। देखो यहाँ से भी, देखो यहाँ से भी है घर है भाई। ले भाई क्या है इधर, जरा इधर क्या है इसमें, इधर लेके तो आ। ये भाई हमारी मजली मौसी का घर, अब हमें यहाँ से निकलना है और शाम को है बस, तो मेरी मम्मी को मैंने मिलवा दिया मौसी से, देख गई। अब देखो बांध जो है, बांध देखो सामने आपको दिख रहा होगा भरा हुआ, ये देखो यहाँ से सही नहीं दिख रहा लेकिन भरा हुआ है, पानी पूरा भर गया बांध से। मैदान है यहाँ पे, हम मौसी के वहाँ से लौट रहे हैं अभी बाइक से। ये देखो कितने ऊंचे जो पहाड़ हैं, बाइक तो बैठ गई हैं, थक गए पर हम भी थक चुके हैं, पर यहाँ 5 मिनट आराम करके फिर चलते हैं। कितना जंगल ही जंगल है पूरा, जहाँ तक रोड अच्छे करके जो भी रोड डले प्रधानमंत्री योजना द्वारा, बहुत अच्छे रोड डल गए। गांव गांव तक गलियां गलियां थी पहले, पगडंडियां थी, सबको रोड बना दिया, गांव शहर को जोड़ दिया। चलिए फिलहाल आप चलते हैं, जल्दी पहुंचना क्योंकि शाम को 6 बजे हमको निकलना है दिल्ली के लिए, तो बस का टाइम है 7 बजे का, तो हम पहुंचना है 6 बजे तक घर लगभग, और 3:30 हो चुके हैं, तो चलिए फिलहाल चलते हैं। काटन दसान नदी है, दसान नदी है, इसके आगे मिलेगी काटन। देखिए कितना सुंदर व्यू है, अभी फिलहाल वाहन आ जा रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं वाहन जहाँ। चलिए तो शाम तो लगभग 4:30 तो हो चुके हैं, हमें जाना है जल्दी, कितनी जल्दी पहुँच चुके हैं। चलिए चलिए चल रहे हैं, यहाँ का दृश्य कितना प्यारा लगा। चलिए गाइस तो अब चलते हैं, अब हमारा जाने का टाइम आ चुका है, 2 दिन रह लिए हैं और जटाशंकर धाम भी हुआ है, और अपनी मम्मी को भी हमारी मौसी की तबीयत खराब थी और गिर गई थी तो वहाँ भी हुआ है, अब यहाँ से लेते हैं मैं बब्बा से इजाज़त। ये हमारा पूजा वाला घर है, ये देखिए, ये देखो यहाँ पिताजी की फ़ोटो लगी है, ये मैं बब्बा हैं, तो जय हो मैं बब्बा, कोई गलती तो माफ़ करना, जय हो बाबा। चलो तो चलते हैं भाई, ये है हमारा, कब चलते हैं। चलो ठीक है, ये हमारी मम्मी है, देख लो अक्सर आता हूँ, ठीक है बाय बाय कर दो, रोना नहीं रोना नहीं, ठीक है। छप्पर है, घर है, मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, देखो। और ये नटखट, ये नटखट है, ये किचन है यहाँ पे। मम्मी, मेरी मम्मी ने चिल्लाती रहती बच्चों पे, ये करो ये करो, तो चलिए चंद्रमा देखो कितना आ गया है ऊपर, चांद भाई, भाई खुशी नाम है इसका, तो अब यहीं रहती है, देखो कैसी लूट रही है,
ये देखो लॉटरी है, ये देखो हमारे घर का दृश्य है, और पीछे पहाड़ है और ऊपर चंद्रमा, ये देखिए इस टाइप का लगता है पूरा गांव। ये देखिए घर है इस टाइप का, अंधेरा लग चुका है, देखो सभी लोग हैं। तो चलिए आप चलते हैं घर, घर नहीं सॉरी, आप चलते हैं अपने परदेश। तो चलिए विदा लेते हैं, यहाँ से इजाज़त लेते हैं अपने सांगिन माता की। चलो चलो चलते हैं भाई, तो हमारे यहाँ पे यहीं से आ जाए। चलो आओ जल्दी आओ, बाय बाय भाई, बाय 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 बाय, चलो ठीक है, चलो चलते हैं, जा रहे हैं। हाँ ले लिया, हाँ सब ले लिया, चार ले लिया। गाँव की गलियों का नज़ारा यूँ हो गया है। चलो तो विदाई का समय आ चुका है, दो दिन का समय, खूब सारा घूम फिर लिया है, मज़ा भी आ गया है, हमारी बाई भी आ गई। चलो पिशाद 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 पिशाद, चलो ठीक है, चलो रोहित पैर छुओ, चलो जल्दी चलो, हाँ ठीक है, को छोड़ो, जय सी राम, प्रभु का नाम बस यही सबसे बड़ा काम है। चलो अच्छा अपना ध्यान रखिए बस, बोले पीछे कौन ओरे, चलो सीट जी जा रहे हैं, जय भोलेनाथ। ते तो घाई में घुसू रात बस, चलो भैया बाय 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 बाय, सागर भाई अब सामान उतार लिया पूरी का बस में से। मैं रोहित का, रोहित ने बोला पापा ये सबसे बढ़िया बस थी, अच्छी लगी तेरे, अच्छी नहीं लगी मंडी की बस खड़ी है अभी बाहर, कर गए कर गए बाहर, ये बस रुकी है इसमें आए हम, बढ़िया फर्स्ट क्लास बस है, ये देखो क्या सफ़र है, क्या लग्जरी बस है भाई साहब, गजब। इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है, जिसमें आए थे उसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन इसमें मज़ा ज़रूर आया। पकौड़े गड़बड़ा चाय ठीक है भाई, यहाँ पे झांसी में, लगभग झांसी में अभी फिलहाल मैं और रोहित, और बस सामने लगी है, बस 10 मिनट की रुकी है, उसके बाद रुकी ग्वालियर, इसमें सफ़र का मज़ा है चाय के साथ, वगैरह ले लिया है, उसके बाद चाय ले रहे हैं अब, सफ़र के साथ सफ़र में मज़ा, सफ़र में सफ़र का मज़ा। बस देखो सफ़र बस है, बड़ी मस्त बस है, मज़ेदार बस है। अब बस खाना पीना खा लिया है, क्यों अब खाना पीना खा लिया है, अब बढ़िया चलते हैं, मस्त सोते हैं, चाचा जी आराम से सोना, ठंडा लग जाए कहीं, सफ़र में सफ़र का मज़ा। सफ़र में सफ़र का मज़ा, देखो हमारे रोहित बाबू नींद बहुत आ रही है, फिर भी दो चाय मार दी लोंडे ने, बताओ दो चाय पी गया, उसके बाद खाना खाया, बताओ नींद आ रही है, फिर भी देखो कैसे सो रहा है भाई। उतर गए हैं बस से आप दिल्ली, अच्छा काम उतर गए हैं, कितनी लग्जरी बसें चलती है, तो गाइज हम आ गए हैं गांव से घर अपने, और दो दिन के लिए गांव गया था, मस्त मौसम है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है गांव में मौसम, इस टाइम खेती में गेहूं बोया जा रहा है, काफ़ी ठंड है वहां पे, काफ़ी घूमा फिरा, जटाशंकर धाम भी गया। तो चलिए गाइज फिलहाल मैं दिल्ली वापसी आ गया हूँ, ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग को, तब तक के लिए बाय बाय।